हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू जयास किचन खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये डिलीशियस और टेस्टी सी गाजर के हलवे की रेसिपी। और आज मैं ये ट्रिक जो बताने वाली हूँ आपको, बिल्कुल भी घिसने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी से आसान तरीके से ये गाजर का हलवा हम बनाएंगे और टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज मेरे चैनल पर मिलती रहे। और अगर वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो इसके लिए यहाँ गाजर को सिंपली छील लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है। अब यहाँ पे लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे घी। तो घी आपकी जितनी श्रद्धा हो उतनी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जितना पसंद हो उतना डाल लें। तो यहाँ मैंने एक चम्मच ही डाला है, आप चाहे तो इसे ज्यादा भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो हमने गाजर काट के रखे हुए थे उसे इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हमें 3-4 मिनट भूनना है इसी तरीके से, बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें और इसे हमें 3-4 मिनट तक के लिए भून लेना है। आप थोड़ी देर में देखेंगे थोड़े से सॉफ्ट होने लगेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए इसमें ग्लेज आ गया है, तो ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो नॉर्मली यहाँ पे पैकेट वाला जो दूध आता है वो लिया है मैंने, फुल क्रीम मिल्क वाला जो दूध आता है वो लें तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने 1 लीटर इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद सिंपली इसे हमें ढक्कन लगा करके प्रेशर कुक करना है जब तक ये गाजर जो है अच्छे से गल ना जाए, अच्छे से पक ना जाए और सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे सिंपली ढक्कन लगा दिया है मैंने और इसे 4-5 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे। और यहाँ पे साइड पे मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया है, इसे भी रिड्यूस कर लेंगे जब तक बिल्कुल ये रिड्यूस होके 1/4 ना बच जाए। तो एक हैवी बॉटम बर्तन लें और इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए, अगर आप हाई फ्लेम पर कर रहे हैं तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे रिड्यूस कर लें, और अगर आप दूसरा काम करते हुए कर रहे हैं तो उसे लो फ्लेम पर रख करके बीच बीच में चलाते हुए इसे रिड्यूस कर लें। आप चाहे तो इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप करके कंडेंस मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, गाजर जो अच्छे से पक गए हैं, तो इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर एक मैशर या इस तरीके से दाल जिसे हम मथते हैं या मक्खन निकालते हैं, इसे ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से गाजर को मैश कर लेंगे कम्प्लीटली। ये देखिए, इस तरीके से कम्प्लीटली मैश कर लेना है हमें। देखा, एक स्टेप बच गया ना यहाँ पे, हमने बिल्कुल भी गाजर को घिसा नहीं और टेक्सचर आप देख सकते हैं इसका। तो अगर ये आपको लिक्विडी लगे तो इसे थोड़ी देर आप और पका लें इसी में ही। बेसिकली हमें इसका पानी ही रिड्यूस करना है, पानी सुखाना है इसका, जितना रनी दिख रहा है ये इसे बिल्कुल रिड्यूस करना है। तो अगर आप कंडेंस मिल्क यूज करना चाहते हैं तो इसी स्टेप में यहाँ पर इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दें और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें साथ में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिल्क मैंने रखा था तो ये रिड्यूस हो चुका है, ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। बीच बीच में चलाते रहेंगे तो जो इसकी मलाई है जो जमती है इस तरीके से साथ में मिक्स हो जाएगी, तो उससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से रिड्यूस हो गया है। अब इसमें मैं जो हमने गाजर अच्छे से मैश कर लिया था उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ मैंने 3 किलो गाजर लिया था, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 किलो मिल्क लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं।
इसे कंटिन्यू चलाते हुए सिर्फ रिड्यूस करना है हमें, जब तक इसका जो लिक्विडी टेक्सचर दिख रहा है बिल्कुल कम्प्लीटली ये ड्राई ना हो जाए, एवोपरेट ना हो जाए, कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब तक इसे हमें पकाना है। तो इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें इसमें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा इसमें गाजर के हलवे में, तो मैं एक्सेसिव नहीं डालती हूँ। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें, अगर ज़्यादा पसंद है तो और ऐड कर सकते हैं इसमें। और अगर आप कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो शुगर उसके अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी स्वीट होता है। तो यहाँ पे इसे पका लेना है, शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से पकाना है ताकि जो कच्चापन है उसका, रॉ फ्लेवर है शक्कर का, वो बिल्कुल चला जाए। और शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा वो रनी और हो जाएगा, इसीलिए इसे थोड़ी देर पकाना है। और ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा ही लिक्विडी दिख रहा है। तो इसी स्टेज पे यहाँ पर मैं इलायची पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो देख सकते हैं बिना घी से इतना टेस्टी सा हलवा हमारा रेडी हुआ है गाजर का। तो यहाँ अपने मनपसंद नट्स डाल लें इसमें, अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल लें, जो आपको पसंद हो बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और इसे ठंडा चाहे गर्म, आपको जैसा पसंद हो वैसे इसे इंजॉय कर सकते हैं, इसे इसी तरीके से सर्व भी कर सकते हैं आप। तो देख सकते हैं कितने जल्दी से, झटपट से, आसान तरीके से गाजर का हलवा बन गया। तो एक ट्राई बनता है इस रेसिपी के लिए। और अगर ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक करके जाना ना भूलें प्लीज़। और मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू एंड बाय बाय।